और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करते हैं, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। सर अखिलेश यादव ने कहा है कि कांग्रेस को अब जातिगत जनगणना की याद आ रही है, क्योंकि उन्हें पिछड़ों के वोट की जरूरत। पर ये तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध किया, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उसे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी? अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया है मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। अभी भी गोरंटी जो बोन जवान गया है, सर वो राहत सामग्री लेके गया है, चुनाव लड़ाया जा रहा है, आप चुनाव एक सीट बची, क्यों नहीं लड़े, नहीं है पार्टी में, नहीं क्या हुआ? जो गुना की सीट है वो भी प्रदेश का केंद्र नेतृत्व, प्रदेश और केंद्र नेतृत्व अगले 1-2 दिन में पूर्ण रूप से उसकी घोषणा हो जाएगी। जयसिंह कुशवाहा ने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है ग्वालियर। देखिए, आपके भी महल पे जो अभी विरोध प्रदर्शन हुआ, मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि व्यक्ति, हम सब इंसान हैं, हम लोग भावनात्मक जरूर होंगे, और इसमें कोई बुराई के बात या आपको मेरे प्रति उंगली दिखाना या मेरे प्रति किसी के प्रति उंगली दिखाने की बात नहीं है। आखिर में टिकट एक ही व्यक्ति को मिल पाता है, सभी लोग परिश्रम करते हैं, और जब सभी लोग परिश्रम करते हैं तो सभी लोगों की आशा भी होती है कि उनका भी हक बने, पर टिकट तो एक ही दे पाते हैं। उस वातावरण में सभी से चर्चा करना, सभी से बात करना, और वही मैंने सुबह सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, उनकी बात भी मैंने समझी, वो मेरा दायित्व है। होना चाहिए, जो हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ नतीजा दे उसका सम्मान जरूर होना चाहिए। और ये मैंने अध्यक्ष जी को निवेदन किया है, अब अंत में अध्यक्ष जी ही जिले में शीर्ष नेतृत्व हैं, वो निर्णय करेंगे। पर एक विचारधारा है हमारी कि इस तरीके से हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जरूर हम लोग कर पाएंगे। ये दिन पूरे मध्य प्रदेश में लागू रहने वाली, अब मैं जहां जहां गया हूं मैंने वहां जरूर कहा है, जो मैंने कहा है, मैं अगर अध्यक्ष जियों को, अभय जी ग्वालियर के अध्यक्ष हैं, बाकी अध्यक्ष जी उनको भी अगर स्वीकार हो तो ये कार्यक्रम हम जरूर करेंगे। काफी विरोध प्रदर्शन चल रहा है चारों तरफ, तो लेके कपड़े कांग्रेस में तो अंदर विरोध है, बाहर विरोध है, ऊपर विरोध है, नीचे विरोध है, चारों तरफ से विरोध ही विरोध है। और तो और क्या, कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं में भी इतना विरोध है कि एक नेता कह रहा है कि दूसरे के कपड़े फाड़ो, दूसरा नेता कह रहा है कि ए फॉर्म बी फॉर्म आप देते,
तो आप ही अनुमान लगाओ, आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, कि जिस पार्टी के अंदर इतना विरोध हो रहा हो, जिस पार्टी के अंदर कपड़े फट रहे हों, जिस पार्टी के अंदर शीर्ष नेताओं, दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच में यह घमासान चल रहा हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर शासन की बागडोर इनके हाथों में आए तो आप लोगों का और मेरे प्रदेश के 9.5 करोड़ जनता का हाल क्या हो?